नमस्कार दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज जो हम तीन स्टॉक देखने जा रहे हैं उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। पहले देख लेते हैं हम उसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहे हैं, और ये तीनों के तीनों स्टॉक 78 के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। पहले देख लेते हैं उसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहे हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है वो है मेट्रो बैंड लिमिटेड, 1 वीक टाइम फ्रेम में देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा इसके अंदर एक देख सकते हैं पहले कि इसके अंदर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ था, इसमें ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे रिट्रेस हुआ, बहुत से लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाई रहेगी और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा रहेगा 6-7% का। और अभी भी ये इधर रेंज में फंस गया है। ये रेंज में फंसने के बाद देख सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मारा बुजू कैंडल बनी है। पूरे तरीके से मारा बुजू नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं इसको पूरा पूरा इंगल्फ कर दिया है इसने, और एक मारा बुजू कैंडल बन के एकदम अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ से ये रेडी हो चुका है मंडे के लिए। आप स्टॉक को अच्छा खासा इसको आप मंडे के लिए इसको बाय कर सकते हैं। मंडे जैसे ही मार्केट खुलेगा आप इस रेंज में किसी रेंज में जब भी मार्केट खुलेगा आप इसी किसी रेंज में इसको बाय कर लेना है। 1018 पे या 1020 पे आप इसको किसी रेंज में बाय कर लेना। और इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है हम देख लेते हैं इसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक हमारा इसके नीचे जैसे कैंडल है ये पिक माराबूजी कैंडल के नीचे हमें 940 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। देख सकते हैं हमें कितने परसेंट हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकल कर अगर यहाँ पे हमने कहीं पे बाय किया 107 या 1020 पे हमने इस पर बाय किया तो हमारा स्टॉप लॉस हमारा कम से कम इसके अंदर 7-8% तक का हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इसमें टारगेट बहुत ही बेहतरीन टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। टारगेट हम देख लेते हैं इसका, टारगेट हमारा यहाँ से निकलेगा इसका जो देखते हैं यहाँ पे हमने रखा टारगेट देख सकते हैं कितना अच्छा टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। इसके अंदर 18% का हमारा इसमें टारगेट निकल के आ रहा है। अभी भी जो इसका ये कप है या जो इसके कप के अंदर ही हम लोग इसका टारगेट निकालते हैं। अपने हमारे अभी वीडियो देख रहेंगे तो हमारा टारगेट निकालने का तरीका आपको पता रहेगा कि हम कैसे टारगेट निकालते हैं। बहुत ही अच्छा खासा इसमें टारगेट निकल के आते हुए दिख रहा है हमें। आप इसको भी एज ए स्विंग ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। जब भी आपका 50% यहाँ पे गेन हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा और इससे भी बड़े से बड़े टारगेट के लिए इसमें बैठ जाइएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो आपका ये फर्स्ट है ये फर्स्ट टारगेट ये अचीव होगा तो आपका एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा। 50% अचीव होने के बाद एंट्री पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस लाने के बाद फिर दूसरा ये अचीव होने के बाद जो आपका टारगेट है 18% का वो अचीव होने के बाद आपका स्टॉप लॉस उठा के पहले पे ला दीजिएगा। ये भी पार कर लेगा ये स्विंग तो इसका जो स्टॉप लॉस है उठा के इधर ला दीजिएगा और इससे बड़े से बड़े टारगेट के लिए भी इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। तो ये टेक्निक यूज करके इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो आप। और जो हमारा दूसरा स्टॉक निकल के आ रहा है वो है वी-गार्ड इंडस्ट्री 1 वीक टाइम फ्रेम में देख सकते हैं इसके अंदर भी देख सकते हैं अच्छा खासा इसके अंदर भी पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है। इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा इसमें बनते हुए अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट भी दे चुका है और इसमें रिट्रेस भी हो चुका है। ये भी मंडे के लिए ये भी रेडी हो चुका है हमारा ये स्टॉक। अब जैसे ही मार्केट खुलेगा अब इसका उसको बाय कर लेना इसका स्टॉक को। वो भी बेहतरीन स्टॉक ही है। किसी रेंज में आप इसको 1289 इसी रेंज में आप जब भी मार्केट खुले तो बाय कर लेना इसके अंदर। अगर आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं हम। हमारा इसमें इतना तक इसका जो फुल वॉल्यूम जो इसका कैंडल है जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके इतने तक हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ज़्यादा बड़ा लेके नहीं चलेंगे हम इसके अंदर स्टॉप लॉस 2865 का हम इसमें स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। और जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है टारगेट देख लेते हैं हम। टारगेट हम यहाँ से निकलते हैं हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो कम से कम हमारा 25% तक का हमारे इसमें टारगेट निकल के आ रहा है। ये बेहतरीन स्टॉक है। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। हमारा स्टॉप लॉस जो है 6-8.5% तक का है और हमारा रिस्क प्रॉफिट इसके अंदर 25% तक का इसके अंदर निकल आ रहा है। ये स्विंग ट्रेड के और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। जब भी आपका 50% गेन हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा और इससे भी बड़े से बड़े टारगेट के लिए बैठ जाइएगा। फिर आपका जो सेकेंड टारगेट अचीव हुआ तो आपका जो एंट्री पॉइंट है जो आपका है इधर पे ला दीजिएगा फर्स्ट पे। ये भी कट करके ऊपर चला गया तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वो तो यहाँ उठा के यहाँ पे ला दीजिएगा जहाँ पे आपका जो फाइनल
प्राइस है, जहाँ जो टारगेट है उस पर ला दीजिएगा। और इसी बड़े बड़े टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर है वो अपना जो 18% है वो लेके निकल जाइएगा, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और भी इससे बड़े टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का धीरे धीरे यूज़ करते 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 आप इसके अंदर और भी बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इसको भी आराम से 3-4 महीना आप इसको लेके जा सकते हैं। ये बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी आप स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अंदर ये अच्छी बात है कि ये 250 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि हमारा प्रॉफिट होने के बहुत इसमें चांसेस है। और आप इसको स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी हमारा एनालिस्ट के देख के आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आपको खुद के एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइस के बाद ही कोई भी स्टॉक लीजिएगा। आँख बंद करके कोई भी स्टॉक को मत बाय कीजिएगा। जो हमारा तीसरा स्टॉक निकल के आ रहा है वो है रोलेक्स रिंग 1 वीक टाइम फ्रेम में, देख सकते हैं इसके अंदर रोलेक्स रिंग में कहने भी देख सकते हैं राउंडिंग पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। इसके अंदर राउंडिंग पैटर्न बन के हमारा इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है और ब्रेकआउट होकर हमारा रिट्रेस भी हो चुका है, अच्छा खासा इसमें रिट्रेस भी हो चुका है। पढ़ने के लिए भी बेहतरीन हो चुका है ये भी स्टॉक। अब इसको भी बाय स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस मंडे जब भी यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुले अब इसको बाय कर लेना और इसको लोड कर लेना। अब इसके अंदर इस रेंज में किसी रेंज में आप 2264 2250 2270 इसी रेंज में किधर बाय कर लेना आप इसको। 6-7% का स्टॉप लॉस लेके चलना इसके अंदर, अपने यहीं कहीं इसको बाय किया 6-7% तक का स्टॉप लॉस लेके चलिए। यहाँ पे 7% तक का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अभी रिट्रेस किया तो आपका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, इसकी वजह से आपको लगाना कम से कम 7% का आप स्टॉप लॉस लगा के चाहिए। 2100 हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट देख लेते हैं, हम टारगेट हम यहाँ से निकालते हैं। देख सकते हैं हमारा टारगेट इसका 21% तक हमारे इसमें टारगेट निकलते हुए दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी आप एज ए स्विंग ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा खासा इसके अंदर राउंडिंग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, तो राउंडिंग पैटर्न बहुत ही रिलायबल पैटर्न होता है, अच्छा खासा इसमें भी टारगेट मिलने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं इसके अंदर। और जब भी आपका 50% गेन हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पर ला दीजिएगा। और ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, इससे चौथे टारगेट के लिए आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। बस आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते करते जाइएगा। जब भी आपका ये 50% गेन हो जाए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के रख दीजिएगा। जब भी आपका सेकंड टारगेट डन हो जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे ला के रख दीजिएगा। ये भी पार करके चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस उठा के इस पे ला दीजिएगा, दूसरे टारगेट पे ला के रख दीजिएगा। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेडर तो अपना 15% या 18% जो भी है इसमें टारगेट निकल के आ रहा है वो आप 23% जो भी निकल के आ रहा है वो निकल के, लेकिन ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है वो बड़े से बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। इसके अंदर कोई निश्चित नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बस आपका स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा। तो आपका जो भी है तो ट्रेंड रिवर्सल होता है या कोई किसी कारण कुछ प्रॉब्लम होता है या न्यूज बेस कुछ होता है तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएगा। तो ऐसे टेक्निक का यूज़ करके अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। महीने भर में, महीने दो महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं, ऐसा ट्रेड करके और ब्रेकआउट ट्रेड एनालिस्ट देख के और उसको बाय करके आराम से अच्छा खासा आप पैसा इसमें बना सकते हैं। बस आपके टेक्निक अच्छी रहनी चाहिए, उसी टेक्निक के हिसाब से चलिए और अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं भी ऐसी टेक्निक का यूज़ करके अच्छा खासा मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो आप भी ये सब टेक्निक का यूज़ करके खुद के एनालिस्ट करने के बाद ही आप कोई भी स्टॉक लीजिएगा। किसी के भी बताए हुए स्टॉक पे आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, के एनालिस फाइनेंस एडवाइस के बाद ही कोई भी स्टॉक को लीजिएगा। आई होप आपको हमारा ये एनालिस अच्छा लगा होगा। आपको हमारा ये एनालिस अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा।